मध्य प्रदेश में 8 करोड़ की ठगी करके भिवाड़ी में छुपे एक व्यक्ति को आज मध्य प्रदेश पुलिस ने भिवाड़ी पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मध्य प्रदेश में करीब 100 लोगों को निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करके भागा हुआ था, जिसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश पुलिस इन्हें तलाशने में लगी हुई थी। हालांकि इससे पूर्व में इसी रैकेट से जुड़े मनोज कुमार को जयपुर SOG ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी लोगों से डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के नाम पर निवेश करवाते थे। जब लोगों के करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते तो शहर छोड़कर भाग जाते थे। आरोपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा था। पीड़ित लोग लालच में आकर डिजिटल करेंसी के 10 गुना वापस आने की उम्मीद से अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते थे। साथ ही लोगों को और पैसा कमाने का लालच देकर चैन बनाकर कंपनी से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया जाता था। आरोपी लोगों को 10 गुना डबल राशि के साथ साथ विदेश यात्रा का भी लालच दिया करते थे। कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 220 फ्रॉड का पंजीबद्ध था। उसके आरोपी इंदौर निवासी अखिलेश शर्मा, जो भागके और जयपुर के भिवाड़ी क्षेत्र में छुपा हुआ था, जिसकी लोकेशन यहाँ की मिली। लोकेशन के आधार पर भिवाड़ी पुलिस का सहयोग लिया गया। भिवाड़ी पुलिस के सहयोग से उनको होटल इंद्रलोक से गिरफ्तार किया, राउंडअप किया है, उससे पूछताछ कर और आगे गिरफ्तार किया जाएगा। इन्हें करीब 8 करोड़ रुपए की ठगी मंदसौर जिले में की है। लगभग कितने सिस्टम से कितने लोग इफेक्टेड हैं जिन्होंने FIR? करीब 100-150 लोग अभी तक आया है, नाम जो प्रकाश में आए हैं। 100-150 लोग इसके इफेक्टेड है और आगे बढ़ने की संभावना है। चेन सिस्टम से ऑनलाइन ठगी करते हैं। ऑनलाइन ठगी का क्या मामले? ये मामला करीब देखा जाए तो 500 करोड़ तक भी हो सकता है। कितने स्टेट में सर नेटवर्क होगा इनका? 3-4 स्टेट में है मामला। एक बार ये गिरफ्तार भी हो चुका है, इनका जो हेड मनोज पटेल है तो राजस्थान में गिरफ्तार भी हो चुका है।